आपने पनीर की रेसिपी तो बहुत सी खाई होंगी, कभी सब्जी में, कभी पनीर रोल या फिर स्नैक्स में, पर आज जो मैं आपके लिए पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ बिल्कुल ही यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। नॉर्मल पनीर खाने से अगर आप ऊब गए हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ब्रेड्स। यहाँ पर फ़िलहाल मैं जो 2 से 3 ब्रेड हैं उनका जो ब्राउन पार्ट है वो अलग कर रही हूँ, हमें बीच का सफ़ेद पार्ट ही चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से जो है इसे रिमूव कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल और बाउल में डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। यहाँ पर मैंने 1.5 छोटा चम्मच जो है हल्दी का डाला है, बड़ा चम्मच इसमें यूज़ नहीं करेंगे, छोटे चम्मच से ही मैं डाल रही हूँ। थोड़ी सी दालचीनी डाली है, दालचीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। और इसी के साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर। यहाँ पर मैं जो 1 चम्मच छोटा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करेंगे, कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। तो आपके घर में जो भी मसाले हैं हम वही ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच, यानी कि बड़ा टेबल स्पून कह सकते हैं इसको, ऑयल का। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल ही लिया है, आप इसमें जो है सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है हम ब्रेड को थोड़ा सा बेल लेंगे, हल्के हाथों से बेल लेना है, या फिर आप इसमें पानी भी लगा सकते हैं। अगर आप फ्रेश यूज़ करते हैं तो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको बीच में से कट कर लेंगे और 1 जो है पनीर का पीस इसमें डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ब्रेड के हिसाब से। अगर आप ब्रेड बड़ा वाला ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप बड़ा वाला जो है पनीर का टुकड़ा इसमें डाल सकते हैं, और जो हमने पेस्ट बनाया है वो, और उसके बाद जो है मैदे की स्लरी इसको लगा देंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए और अच्छे से जो है इसको चारों तरफ से जो है बाइंड कर देना है, हमें बंद कर देना है। मैदे की स्लरी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, हल्की मैदे की स्लरी यहाँ पर ली है। 2 चम्मच मैदे में मैंने 3 से 4 चम्मच जो है पानी डाल दिया था, पतली होनी चाहिए। ऐसे ही हम दूसरे में करेंगे, ब्रेड के ऊपर रखेंगे पनीर का पीस और उसके बाद उसमें जो है सारा पेस्ट लगा कर उसमें मैदे की स्लरी से उसको अच्छे से जो है बाइंड कर लेंगे। तो ऐसे ही हम इसमें सारे पीसेस बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो है 8 से 10 पीसेस बनाए हैं और ऐसे सारे पीसेस को बना लेंगे। और इन सभी टुकड़ों को हम मैदे की स्लरी से एक बार निकालते हुए फिर फ्राई करेंगे। तो ये मैदे की स्लरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया था और 4 से 5 चम्मच इसमें पानी के डाल दिए हैं। कई बार ऐसा होता है मैदा बहुत ज़्यादा थिक भी होता है, तो आप अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कि मैदे की स्लरी जो बची हुई है आप उसी में इसको करके जो है पैन में डाल देते हैं और एक एक करके इसमें कोट करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से कोट नहीं करना, बस एक बार डिप करके इसमें डाल देंगे। और अगर आपने मैदे की स्लरी ज़्यादा थिक बनाई होगी तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, तो मैदे की स्लरी आप ध्यान से बनाइए, पतली कोटिंग होनी चाहिए उसकी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, अच्छी मीडियम साइज़ की कोटिंग होनी चाहिए। और अच्छे से इसको जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे और यहाँ पर जो फ्लेम है उसको लो से मीडियम के बीच में ही रखना है। पहले आप उसे लो रखिए और एक बार पलटने के बाद जो है आप मीडियम कर सकते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, धीरे धीरे पकाएंगे, क्योंकि जो मैदा है वो अच्छे से पकना चाहिए। अगर आप जो है जल्दी और तेज़ आँच पर इसको पकाते हैं तो कई बार ऐसा होता है मैदा अंदर से कच्चा रह जाता है, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि लचीला बन जाता है, वो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता। तो इसको बनाते हुए आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। तो अभी मैंने जो है फ्लेम को मीडियम कर दिया था, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। और अभी हम इसे जो है निकालना शुरू करते हैं, जो ज़्यादा गोल्डन हो गए हैं और हम उसे निकाल लेते हैं, और जो अभी थोड़े से रहते हैं तो हम उनको पलट देते हैं। तो मैंने 2 निकाल लिए हैं और ये बाकी के जो है अच्छे से अभी होने बाकी हैं, धीरे धीरे करके इनको पलटते रहेंगे, जो हो गए हैं उनको निकलते रहेंगे। तो अभी हम जो है सभी को निकाल लेते हैं। तो अभी हम इसकी जो है हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, कम जो है बजट में बन जाती है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 तेज़पत्ता लिया है, 2 से 3 लौंग लिए हैं और 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मैं ज़ीरा डालूंगी। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो अनियन है उनको बिल्कुल स्लाइस किया है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटे हैं, स्लाइस और लंबे हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम उनको अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, जो घर में पड़े होते हैं हम उन्हीं का यूज़ करेंगे, किसी क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे।
तो अच्छे से जो है इसको गोल्डन ब्राउन करना है। साइड बाय साइड हम इसको जो है दो पार्ट्स में कट कर लेंगे, जितने भी बनाए हों उसको जो है दो पार्ट्स में कट कर लेते हैं। और उसी के साथ जो है प्याज भी भुन गए हैं, और अब हम इसमें डाल देते हैं दो मीडियम साइज़ के टमाटर। अच्छे से जो है इसको पका लेना है। बिल्कुल लाल टमाटर हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़िया रंग देता है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपके टमाटर लाल हैं तो, ना ही रेड चिली पेपर ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कश्मीरी मिर्च। और जो हमने मसाला बनाया था वो अगर बच गया है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं बचा है तो इसमें आप मसाले अपनी तरह से अलग तरह से ऐड कर सकते हैं। तो मैं वही मिश्रण डालूंगी, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगी। अगर नमक आपको कम लगता है तो वो डाल सकते हैं, तो इसमें बाकी कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। और मैंने यहाँ पर डाल दी है एक छोटी बाउल जो है मलाई, जो सभी के घर में रहती है, बिल्कुल फ्रेश मलाई है, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और एक मिनट पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और उसके बाद जो हमने ब्रेड के पकोड़े बनाए थे हम उसमें डाल देंगे, ब्रेड पनीर के पकोड़े। तो इसमें पनीर का टेस्ट भी आ जाएगा, ब्रेड का टेस्ट भी आ जाएगा, मलाई का भी आ जाएगा, और एक अलग सी रेसिपी जो है बन जाएगी जो है कम में ज़्यादा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा पनीर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो है आप घर में ही जो चीज़ें होती हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पनीर इसमें नहीं लगेगा। और प्याज टमाटर तो सभी के घर में रहता ही है, बहुत सी यूनिक रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब हम इसको जो है एक मिनट तक पका लेंगे। एक मिनट हो गया है तो मैंने यहाँ पर फ्लेम बंद कर दी है, और अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।